स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आना है तो कैसे आएंगे आप? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सबसे लंबा पुतला है दुनिया का, 182 मीटर लंबा, उसे अगर आपको देखना है तो आपको एकता नगर केवड़िया आना पड़ेगा। और मुंबई से एकता नगर केवड़िया के लिए डेली ट्रेन है, जो कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, दादर एकता नगर केवड़िया एक्सप्रेस। सर्दियों में अगर आप ट्रैवल करेंगे इस ट्रेन से तो कैसा रहता है सफ़र? स्लीपर क्लास में 3 AC 2 AC में तो बेडिंग वो सब मिलती है, तो उसका तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन स्लीपर क्लास में ठंडियों का एक्सपीरियंस आपके साथ पेश है इस व्लॉग में। चलिए जर्नी शुरू करते हैं। तो ये अपनी ट्रेन खड़ी है पीछे, और ये पहले मुंबई सेंट्रल से चलती थी वडोदरा तक, लेकिन अब ये चलती है दादर से एकता नगर केवड़िया तक। तो ये थोड़ा तब्दीली हो गई है। पहले इसको नाइट राइडर भी कहा जाता था, क्योंकि ये ट्रेन कभी सुबह का वक्त तो देखती नहीं थी या दिन का टाइम तो देखती ही नहीं थी। लेकिन अब हम जब पहुंचेंगे तो 7 के ऊपर ही हो जाएगा, करीबन 7:30 बज जाएंगे। वो भी पता करेंगे कि ट्रेन टाइम पे पहुंचती है कि नहीं। अमूमन ट्रेन टाइम पे ही पहुंचती है। तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। कोच भी अपना यही है S3, और ये ट्रेन हमेशा फुल चलती है, तो टिकट आप पहले ही ले लेना। आपको इसका फेयर भी बता दूं, स्लीपर क्लास जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसके लगते हैं 310 रुपये। 3 AC में ट्रैवल करोगे तो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। 2 AC का है 1120 रुपये, और फर्स्ट AC तो शायद 1900 रुपये के आसपास है। ठंडी में जब ट्रैवल करें तो जनरली प्रेफर करें अपर बर्थ, अगर आपको चढ़ने में तकलीफ नहीं हो रही है स्लीपर क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। और ये अपनी सीट आ गई। चलिए बैग रखता हूँ और देखते हैं डिपार्चर। 11:50 हुआ है स्टेशन की घड़ी में, और शार्प टाइम पे ट्रेन दादर स्टेशन से चल रही है। मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, और देखते हैं कैसा है, साफ़ है कि नहीं है। उम्मीद तो है कि साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम ट्रेनों में से एक है। भले ओवरनाइट ट्रेन है, बहुत डिमांड रहती है, और पंक्चुअलिटी और सफाई में अच्छी खासी इसकी मान्यता है। चलिए चेकआउट करते हैं कैसी इसकी सफाई है वॉशरूम की। क्लीन है लेकिन बदबू, शायद ये वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रहता है ना, इसकी वजह से। जो भी है, टैप तो नॉर्मल ही है, बाकी तो कोई शेविंग वेविंग का नहीं है। मिरर भी आप देख सकते हो क्लीन है। चलिए दूसरे साइड का चेक कर लेते हैं। तो ये दूसरे साइड का है, इसमें भी टैप नॉर्मल है, मिरर क्लीन है, और इम्पोर्टेंट बात ये इसमें बदबू नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है कि इसमें स्मेल नहीं आ रही है। हैंड शॉवर भी इसमें दिया हुआ है, वो वाले में नहीं। चलिए अब अपनी सीट पर वापस चलते हैं, थोड़ा बिस्तर से सेट करते हैं। जैसे सीट की तरफ आ रहा था टिकट भी चेक हो गया, तो ये भी बहुत बढ़िया था कि TT का आपको डिस्टर्बेंस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और वैसे बोरीवली पे काफ़ी लोग चढ़ेंगे, उसके बाद ही प्रॉपर सोना या जो भी होगा होगा, जागना भी मुझे लगता है वडोदरा पे जो भी होगा देखा जाएगा। यार ये तो अभी अंधेरी पार हो रहा है, इसके बाद ही बोरीवली आएगा। तो ये हमारी ट्रेन बोरीवली पहुंची है, और आपको बता दूं क्राउड ज़बरदस्त है, हर कैटेगरी ऑफ क्लास में पब्लिक खूब है, और यहाँ पे ट्रेन अमूमन 100% के करीब फुल ही हो जाती है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से कब छूटते हैं, इसके बाद जब सेटल डाउन हो जाएगा तो थोड़ा आराम करेंगे। अब ट्रेन का क्लियरेंस दे दिया, चलिए चलते हैं अंदर। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ठंडी के मौसम में तो एटलीस्ट एक चादर नीचे बिछाने के लिए रखिए, एक ऐसा एक इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा रखिए, और हो सके तो ऐसा एक बुलेट टाइप भी ज़रूर रखिए अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल जाएगी ठंड से। अगर आप मल्टीपल शर्ट्स यानी बहुत सारी शर्ट्स है ये सब रखेंगे, तो ये आप ज़रूर आपको बेनिफिट हो सकते हैं कि आपको ठंड ना लगे, क्योंकि आप एक के ऊपर एक पहन सकते हैं। एक्स्ट्रा पैंट भी रखिए, और बेस्ट रहेगा कि अगर आप जैकेट या कोई भी ऐसी चीज़ रखें जो वुलन टाइप हो, स्वेटर हो सकता है। चलिए अब मैं आराम करता हूँ, मिलते हैं सुबह, ज़रूर बताऊँगा कैसा रहता है रात का एक्सपीरियंस स्लीपर क्लास में ठंडी के मौसम में इस ट्रेन में। तो ये छोटी सी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही कंफर्टेबल रही, और धूप तो यार ज़बरदस्त है, इसीलिए धूप खा भी रहा हूँ। पीछे स्टेशन की बिल्डिंग भी है। तो एकता नगर केवड़िया से जब आप उतरेंगे तो आपको बस सुविधा मिल जाएगी, और आपको बताऊँ बस दो तरीके की रहती है, एक जो शहर में ही एंड होती है और एक स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आती है। फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आपको आना है तो कोई टिकट नहीं है। मैंने तो कोई टिकट नहीं भरा है, आपको अगर कोई ऐसा अनुभव होता है तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताना। ये आपको मैं बस के अंदर का भी दिखा दिया हूँ, AC बस रहती है तो ये बहुत बढ़िया है, और सीट भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। एकता नगर रेलवे स्टेशन से जब बस चलती है तो नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त रहता है,
नर्मदा नदी के साथ साथ बस चलती चली जाती है, बहुत ही प्यारा रोड भी है, और आप कब ये 7.5-8 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बात याद रखें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में अंदर जाने के लिए जो टिकट की बुकिंग है वो ऑनलाइन ही होती है, वहाँ पे यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी पे बुकिंग नहीं होती, लिमिटेड एंट्री रहती है। तो पहले से ही बुक कर लें जिस दिन आप जाने वाले हैं, वरना लास्ट मोमेंट पे परेशानी हो सकती है। आई होप आपको व्लॉग ये छोटा सा पसंद आया हो। जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था मैंने दिया है। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग में। ठंडी में सफ़र कर रहे हैं तो अपना ध्यान रखें, ठंडी के सामान ज़रूर रखें।